खान और आज मैं कहने जा रहे हैं अबीरा की जो रोमांटिक सीन्स है और फनी सीन है। ये जो है सीन वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है के ड्रामा सीरियल जो खत्म नहीं होगा कभी। ये तो मेरे बचपन से चलता रहा लेकिन अब कास्ट कोई और थी। हाँ जी अब कास्ट कोई और है। वो जो तब वाली कास्ट थी उनके तो बच्चे हो गए थे फिर उनका पुनर्जन्म हुआ था ऐसे वाला सीन था उसमें। ये भी वही सीन है कुछ ऐसे ही ऐसे चल रहा है। तो बस एक स्टोरी पे बेस्ड है ड्रामा तो चलता रहेगा। हमारी आने वाले भी देखते रहेंगे तो कोई बात नहीं। हाँ अच्छी बात है एक लेगेसी चलनी चाहिए। तो रिएक्शन करते हैं 3 2 1 अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको जल्दी से सब्सक्राइब लाजमी कर दें। 3 2 1 एंड गो। अच्छा उसने ऊपर से देख ली सूत्र देखो शादी शुदा होने ये सही था। अच्छा बाद में भी दिखाया मैंने भी शादी करनी है। आज मौसम बड़ा फनी है हनी है स्वीट करब ऐसे सीन कितने मजे के बहुत। चलो उठो सुबह हो गई चलो उठो चलो चल नहीं उठती मेरी बात नहीं मानोगे तुम मेरे ऊपर से क्यों हाइट कम हो जाएगी क्या हुआ अभी भी मैं ही बताऊं ऑब्वियसली तुम ही बताओगी ना क्योंकि नाराज तो मुझे होना चाहिए था। और एक बात बताओ तुम नाराज तो इतना भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें कि किसी को रात भर नींद नहीं आई होगी ये अच्छा है पहले गुस्सा करो उसके बाद गुस्से में रात में सो जाओ दिन में सोती रहो और उसके बाद तो कोई बेचारा परेशान रात भर बैठा रहे मैसेज का इंतजार करता रहे तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं थी कि मैं घर सही पे पहुंचा कि नहीं कोई नहीं हूं मैं तुम्हारा कुछ नहीं।
मैं गुस्सा होऊंगा तो मुझे छोड़ के आ जाओगी? छोड़ के नहीं गई थी, तुम्हारे साथ ही थी। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तुम जब उतरी थी तब रोका क्यों नहीं? बिना बोले कोई बात समझ में नहीं आती, खुद रुक जाती ना। खुद रुक जाती तुम्हारी डांट खाने के लिए? देखो मैंने तो वही समझूंगा मैं। ठीक है फिर, तुम्हें जो करना है तुम करो, यही तो होता है ना। तुम गुस्सा करो, तुम कुछ भी बोलो, सब ठीक है, सब हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। फाइट व्हाटएवर। अब मुझे पता चला है ड्रामा इतना अच्छा भी चल रहा है, कंटेंट अच्छा है, मैं ले जाऊंगा। धमकी मत दो, धमकी मत दो, नाटक मत दिखाओ ज्यादा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई का लेक्चर सुनने का दोबारा। मैं नहीं चाहता तुम्हारी फैमिली को ड्रामा हो। तो चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, एंड ओ नो। चल भाई, फैमिली के सामने ले गया। मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं नहीं बेटा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस बाय बाय बोल रहे हैं, टेक केयर ऑफ। अभी तुम पागल हो गए हो क्या? कल ये मिजला लड़ रहे थे और आज लड़ना, लाड लड़ाना, इसी को तो प्यार कहते हैं। अभी तक समझे नहीं तुम? क्या क्यूट है, क्या भाई ऐड आ जाए पहले। नहीं पति परमेश्वर जी, परमेश्वर वो तो बस आपको देखकर नशा चढ़ गया। अभी तक कुछ मैंने किया ही कहा है, अब आगे आगे देखो क्या क्या करती हो। अक्षरा तुम्हारे तेवर बदले बदले लग रहे हैं, रंग ढंग एकदम अलग लग रहे हैं। ये भगवान क्या होने वाला है मेरे साथ? अक्षु मुझे पूजा नहीं करवा दी, वो ना मुझे सर्जरी के लिए जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? सर्जरी तो आज हम आपके करेंगे डॉक्टर साहब। सर्जरी होगी सर्जरी? बहुत सही यार, बहुत सही। एक तो वो लड़की वैसे बड़ी क्यूट है और ऊपर से डायलॉग बड़े मजे के थे, और सारे सीन एक अलग ही रोमांटिक किस्म के थे। मजा आया, देख के मजा आया, ये वाले अच्छे थे, मूड फ्रेश हो गया मेरा। तो काफी अच्छी वीडियो थी, आपने जाना कि आपका फेवरेट पार्ट कहाँ पे था, कब था, क्यों था, कैसे था। और अगर आपके पास इनके और कोई सीन्स हैं, चाहे फनी हो या रोमांटिक हो, सैड वाले नहीं देख सकते फिलहाल, तो वो हमें आप लिंक शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डीएम आप हमें कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आपको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं आपसे, खुदा हाफिज़। तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर, मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर, मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती।